नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनाथ बच्चों के घर आई माँ दुर्गा। शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों से बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, जब देखो तब खेलती रहती है, घर का काम क्या तेरा बाप करेगा। शालू कहती है, पर चाची घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। नर्मदा कहती है, काम खत्म हो गया तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहां आ जाता है। नर्मदा उससे कहती है, क्यों रे कहाँ घूम रहा था, कभी घर पर भी टिक जाएगा तो अच्छा रहेगा। आदि कहता है, चाची मैं पास वाले दुर्गा मंदिर में गया था। नर्मदा उससे कहती है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी, खेत पर ही चले जाता अपने साचा का हाथ बटाने के लिए, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। आदि कहता है, चाची पहले कुछ खा लूं फिर चला जाऊंगा। नर्मदा कहती है, पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को यह बात अच्छी नहीं लगती और वे अपनी चाची से कहती है, चाची आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा, वह भूखा ही चला गया। नर्मदा शालू से गुस्सा होते हुए कहती है, तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है, आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा और भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वह उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे, तभी शालू कहती है, भैया अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। आदि कहता है, जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या कहती थी। शालू कहती है, मुझे तो याद नहीं है भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना, आप ही बता दो क्या कहती थी माँ। तब आदि कहता है, हमारी माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदैव ध्यान करना, उनकी पूजा करने वालों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। चल अब हम सीधे दुर्गा मंदिर में ही चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित जी मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, तो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित जी को बता देते हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं, वह सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। आदि कहता है, पंडित जी हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। पंडित जी उन बच्चों से कहते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी एक कुटिया है, तुम कुछ दिन वहाँ रह सकते हो, जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर में साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ दुर्गा के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती है और उससे कहती है, वत्स तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ, अभी तुम दोनों को बहुत सारा कार्य करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले जाना, वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौक कर उठ बैठता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अगल बगल देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी उन्हें खाना और कुछ पैसे देकर विदा कर देते हैं। दोपहर होते होते वह दोनों चलकर काफी दूर निकल जाते हैं। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके पास एक भिखारी आता है और शालू और आदि अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी खाना दे देते हैं। भिखारी बहुत प्रसन्न होता है और वो उनसे कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम्हारे पास खाने को इतना कम था फिर भी तुमने इसमें से मुझे अपने में से थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है,
पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। आदिव बाबा से कहता है, पर बाबा आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? बाबा कहते हैं, कल तुम्हारे सपने में दुर्गा माँ आई थी और उन्होंने जो कहा था वही तुमने किया। तब आदि बहुत आश्चर्य से बाबा को देखता है और बाबा से पूछता है, पर बाबा आपको कैसे पता कि दुर्गा माँ मेरे सपनों में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वह भिखारी हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाता है, श्री राम जी का नाम लेते हुए। बच्चों, मैं माँ दुर्गा के आदेश के अनुसार हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन दोनों को एक गांव दिखाई देता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता का नोटिस लगा हुआ था। यह देखकर आदि और शालू उस सेठ के दुकान पर काम करने लग जाते हैं। जहां आदि कपड़े बेचने का काम करता है, वही शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू ने अपने खुद के लिए कपड़ों की दुकान खोल ली थी और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीद लिया था और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया था। फिर वो दोनों सुबह शाम माता की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है। देखते ही देखते वे दोनों उस गाँव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं। अब आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। माँ पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बड़े ही लाड़ प्यार से भोजन खिला रही थी, यह निवाला गणेश का और यह निवाला कार्तिकेय का। गणेश जी कहते हैं, माताश्री लड्डू तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, माताश्री यह गणेश एक बार में कितने लड्डू खा जाता है? मैं तो सिर्फ दो ही लड्डू खत्म कर पाया हूँ, मुझे और लड्डू चाहिए माताश्री। गणेश जी कहते हैं, पहले मुझे दो, मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है। इतना कहकर वो लड्डू उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और कार्तिकेय जी को कहते हैं कि अब मुझे पकड़ कर दिखा। कार्तिकेय जी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं, माताश्री गणेश सारे लड्डू उठाकर ले गया है, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। गणेश जी कार्तिकेय जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, कार्तिकेय मैं तो यहाँ हूँ, कितने स्वादिष्ट लड्डू है, देखो इधर मैं तो इसे खा रहा हूँ। कार्तिकेय जी गणेश जी को पकड़ने लगते हैं। तब माता उनसे कहती है, तुम दोनों खेलो, मैं वहाँ बैठी हूँ। कार्तिकेय जी गणेश जी को पकड़ने लगते हैं। रुक गणेश, आज मैं तुझे पकड़ कर ही रहूँगा। गणेश जी कहते हैं, नहीं कार्तिकेय तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। कार्तिकेय जी माताश्री से कहते हैं, माताश्री देखो ना गणेश बार बार अदृश्य हो जाता है, मैं उसे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए आते हैं और कहते हैं, अच्छा तो गणेश और कार्तिकेय देवी पार्वती के समक्ष क्रीड़ा कर रहे हैं। देवी पार्वती नारद जी से कहती है, प्रणाम देवर्षि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं, देवी पार्वती मैं तो आपको ये देवी आम देने आया था। तभी गणेश जी वापस प्रकट होके कहते हैं, आप आम तो मैं ही खाऊंगा। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए यह आम मैं खाऊंगा। गणेश जी कहने लगते हैं, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए यह आम मैं खाऊंगा। नारद जी कहते हैं, देवी पार्वती आम तो मैंने आपको दे दिया और अब इन दोनों में से कौन बड़ा है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तो भगवान भोलेनाथ ही को आना पड़ेगा। इस गुत्थी को तो भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं। जैसे ही वो इतना कहते हैं, भगवान भोलेनाथ सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं, वो देखिए भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ कहते हैं, देवर्षि नारद आज कैलाश पर्वत पर
क्या हुआ? मेरे दोनों पुत्रों में किस विषय पर बहस हो रही है? तब नारद जी कहते हैं, अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए, इन दोनों को तो अब आप ही समझाइए। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहाँ से चले जाते हैं। तब कार्तिकेय जी शंकर जी से कहते हैं, पिताश्री मैं गणेश से बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे मिलना चाहिए। गणेश जी कहते हैं, पिताश्री आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना, इसलिए यह फल मुझे ही मिलना चाहिए। देवी पार्वती कहती है, देख लिया दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने में उतारू हैं। शंकर जी कहते हैं, तुम्हें उसके लिए यह कार्य सिद्ध करना होगा। गणेश जी कहते हैं, पिताश्री आप आज्ञा दीजिए, पल भर में ही मैं वो कार्य पूर्ण कर लूंगा। शंकर जी कहते हैं, तो कार्य यह है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने का काम तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर लौटेगा उसे ही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त होगा, वही विजेता भी बनेगा और दौड़ के विजेता को उसके इनाम के रूप में फल मिलेगा। तभी कार्तिकेय जी कहते हैं, फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा माता, और पिताश्री मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। कार्तिकेय जी तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले पवित्र स्थल का दौरा किया और देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन गणेश जी जानते थे कि वह भारी है और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर के जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता को एक साथ बैठने के लिए कहा, माताश्री और पिताश्री क्या आप दोनों यहाँ पर एक साथ विराजमान हो सकते हैं? देवी पार्वती ने गणेश जी से कहा, पुत्र गणेश तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है क्या? तब शंकर जी देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। गणेश इस समय जरूर कुछ और ही मन में विचार सोच रहा है। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री यह प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। देवी पार्वती गणेश जी से कहती है, पर पुत्र तुम तो पृथ्वी के भ्रमण के लिए गए ही नहीं। गणेश जी कहते हैं, पिताश्री जन्म धारण करने वाले प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छाव और आपके स्नेह के गोद मेरे लिए पूरे पृथ्वी के समान है। जहाँ आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होता है। तभी पार्वती जी गणेश जी के ऊपर लाड़ आता है और वो कहती है, हाय मेरा लाल कितना प्यारा है मेरा गणेश। शंकर जी कहते हैं, पार्वती वेद पुराण के अनुसार गणेश जी की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें भी सारी बात का पता चल गया। वह भी गणेश की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम से गणेश को गले लगा लिया। उसके बाद माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को वो दिव्य आम मिल बांटकर खाने को दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती और शिव शंकर महाराज की जय। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।